दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक बिजनेस सेटअप कर पाए, तो क्यों ना ऐसा करें किसी और के बिजनेस में पैसा लगा दें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में, जहाँ आप दूसरे के बिजनेस में पैसा लगा के अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं या फिर अपना पैसा डबल कर सकते हैं। तो जानेंगे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें हम चार चीज जानेंगे, पहले शेयर क्या होते हैं, सेकंड शेयर मार्केट क्या होता है, थर्ड आप कैसे शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और फोर्थ क्यों लोग इसमें आने से डरते हैं और घाटा खा जाते हैं। पहले हम बात करते हैं शेयर होते क्या है और क्यों कंपनी शेयर बेचती है। शेयर होता है कंपनी का एक हिस्सा जिसे वो इन्वेस्टर के साथ शेयर करती है और उनसे पैसा लेती है। कंपनी शेयर इसलिए बेचती है क्योंकि उसे पैसा चाहिए होता है और उसे उस पैसे को वो अपने बिजनेस में लगा के खुद का ग्रोथ करती है। ग्रोथ करने के लिए चाहिए होता है पैसा। अगर कोई कंपनी को ग्रोथ करना है, उसे अपने प्लांट लगाना है, तो उसे पैसा चाहिए होगा। मान लो एक कंपनी को 50 लाख रुपए चाहिए, तो या तो वो बैंक से लोन लेगी। अगर वो बैंक से लोन लेती है तो उसे क्या ब्याज देना पड़ेगा। और कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती कि आज पैसा लेगी और तुरंत वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते ही वो ग्रोथ करने लग जाए। तो इसलिए वो बैंक से पैसा ना लेके पब्लिक ऑफरिंग से, पब्लिक से इन्वेस्टर से पैसा लेती है। पब्लिक से पैसा लेने का कंपनी को क्या फायदा होता है और शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होता है? कंपनी को ये फायदा होता है कि उसे कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, अपनी हिस्सेदारी बेचती है और जो इन्वेस्टर होते हैं उनसे पैसा लेती है। जब कंपनी ग्रोथ करती है तो धीरे धीरे इन्वेस्टर का पैसा भी ग्रो होने लग जाता है। अब इसमें इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है? इन्वेस्टर को फायदा ये होता है, अगर जो आप पैसा किसमें डालेंगे, बैंक में डालेंगे, तो आपको 4 से 5% वो ब्याज देगा सालाना। वहीं अगर जो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो एक अच्छी कंपनी और आपको लगता है कि ये अच्छा ग्रोथ दिखाएगी, तो वो क्या है, उस कंपनी के साथ आपका पैसा भी ग्रो होता है। मान लो एक कंपनी ने अपने शेयर बेचे, उस शेयर की कीमत थी 10 रुपए, और आने वाले 2 साल में उसकी कीमत हो जाती है 10 से 20 रुपए, तो आपका पैसा 3 साल में क्या हो गया, डबल हो गया। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो उसकी कीमत भी 2 लाख रुपए हो गई। और साथ ही कंपनी क्या करती है, जब प्रॉफिट होता है तो उसमें से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है एज ए डिविडेंड। एक गवर्नमेंट कंपनी है IRCTC, पिछली साल उसका IPO आया था जिसमें उसने पब्लिक ऑफरिंग रखी थी 320 रुपए, और आज उस शेयर की कीमत 1500 रुपए। जिसने उस टाइम उसमें पैसा लगाया होगा तो आज 1 साल के भीतर उसका पैसा 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो गया है। आज उसकी कीमत 1500 रुपए, कुछ टाइम पहले उसकी 1800 रुपए भी थी। तो जिसने 300 रुपए में खरीदा था उसका आज 1800 रुपए हो गया। मतलब अगर जिसने 10,000 रुपए उस टाइम लगाए थे तो आज 6 गुना ज्यादा पैसा हो गया। सेकंड हम बात करेंगे शेयर मार्केट में शेयर बेचे और खरीदे कैसे जाते हैं। शेयर मार्केट में जिस भी कंपनी को अपने शेयर बेचने हैं, वो या तो NSE पे बेचेगी या BSE पे या फिर दोनों पे। NSE और BSE क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। BSE पे लगभग 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है और NSE पे 1700 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। ये स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे क्या होता है, खरीद फरोख्त होती है। जब कंपनी शुरुआत में अपने शेयर बेचती है तो वो एक फिक्स प्राइस रखती है। जैसे कि IRCTC का IPO आया था तो 320 रुपए में सरकार ने अपने शेयर बेचे थे। इसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट, जब कंपनी अपने शेयर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को देती है। सेकेंडरी मार्केट होती है जब हम अपने शेयर जिस इन्वेस्टर ने खरीदे हैं वो दूसरे इन्वेस्टर को अपने शेयर बेचता है। अब ये होता कैसे है, ये NSE और BSE पे एक्सचेंज होते हैं, मतलब अपने शेयर आप बेच सकते हैं। ये NSE और BSE के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। आप जैसे स्क्रीन में देख सकते हैं कि 7 लाख शेयर बेचे जा रहे हैं और 5 लाख के करीब खरीदे जा रहे हैं, मतलब 5 लाख लोग खरीदने वाले हैं और 7 लाख लोग बेचने वाले हैं। ये NSE का डाटा है। NSE BSE से ज्यादा एक्टिव माना जाता है क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे वगैरह ट्रेडिंग भी की जाती है। थर्ड, आप कैसे लगा सकते हैं शेयर मार्केट में पैसा। शेयर मार्केट में पैसा लगाना बहुत ही ज्यादा इजी कर दिया है। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहां से आप क्या कर सकते हैं, आराम से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं भी खुद इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा अपस्टॉक, स्काइट वगैरह जैसी एप्स हैं जिसमें क्या होता है, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आसानी से शेयर खरीद सकते हैं। जैसे कि अपस्टॉक्स आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि ये कुछ भी पैसे नहीं लेती, मतलब कोई चार्ज नहीं करती, आपका अकाउंट फ्री में बन जाता है। आपको सिर्फ एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट चाहिए जिसके साथ आपका मोबाइल लिंक हो। अगर आपका नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं।
अब बात करते हैं क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने नाम सुना होगा राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफे, राधा कृष्ण दमानी, ये सब क्या है, इन्वेस्टर ही है, जिन्होंने क्या था 2000 के संसद या उससे पहले क्या करना स्टार्ट कर दिया था, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया था। और आज ये क्या है, करोड़पति और अरबपति बन चुके हैं। और सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के ही ये क्या, करोड़पति और अरबपति बने। अब ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन में ही क्या करेंगे, सारा पैसा लगा देंगे और आप एक दिन में अमीर बन जाएंगे। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। जैसे कि आपने क्या किया होता है, फिक्स डिपॉजिट, जिसमें आपको 7% ब्याज मिलता है या फिर 8% कहीं कहीं, तो आप फिक्स डिपॉजिट 5 या 6 साल के लिए कराते हैं। तो शेयर मार्केट में भी आप जब आते हैं तो आपको पैसा 5 या 6 साल के लिए लगाना होता है, क्योंकि इसमें उधार चढ़ाव भी होते हैं, कभी पैसा नीचे आता है कभी चढ़ते हैं। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कभी मार्केट नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मतलब कुछ सालों में अगर आप 10 साल का स्पैन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमेशा मार्केट ऊपर ही गया है। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट ही करें। और आपको अगर जो अकाउंट बनाना है तो आप अपस्टॉक्स पर बना सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सिंपल प्रोसेस है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।